39 मिनट, और आज डेट हमारी 19 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों मार्केट 11,832 ट्रेड कर रहा है, और अभी हम ऑप्शन सेलिंग की लाइव ट्रेड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किन किन की कोशिश करना, टेक्निकल पकड़ने की कोशिश करना, क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट 11,880 के आसपास ओपन होता है और फिर एक 15 मिनट की कैंडल पर लो बनाता 11,821 का। तो 15 मिनट हमने मार्केट को दे दिए हैं, मार्केट अच्छे से सेटल हो जाता है, 15 मिनट काफ़ी होते हैं। तो अभी हमारा जो जो सिनारियो, हम थोड़ा एक बुलिश ट्रेड पर आज फोकस करेंगे और जो रिस्क रिवार्ड होगा वो बिल्कुल फेवरेबल लेने की कोशिश करेंगे। रिस्क रिवार्ड से हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप ट्रेड अगर आप देखेंगे कि कोई आपको ट्रेड डालनी है, तो सबसे बढ़िया सिनारियो बनता है 11,865 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो 900 के टारगेट के लिए आप कोई ऑप्शन सेल कर सकते हैं या फ्यूचर बाई कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑप्शन सेल करना है, तो अभी हमने 11,800 का पुट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया क्रूशियल लेवल पे मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो 11,800 का पुट है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर जो एक रेसिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 82 का, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा माइंड सेट है वो है कि भाई देखो परफेक्ट एंट्री कहाँ होगी बाइंग की। तो देखो ये वाला जो हमारी सपोर्ट है, या तो यहाँ पर 807 पर, या मार्केट अगर गैप फिल करने जाएगा तो फिर आएगा तुम्हारा 768 तक। तो हम ये थोड़ा वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट कहाँ तक आता है, ठीक है। मार्केट 700 अगर 807 के पास आके कुछ हमको लगता है कि कैंडल यहाँ पर सपोर्ट दिखा रही है, कुछ दिखा रही है, तो हम ट्रेड डालेंगे। अगर आपको ट्रेड लेना, तो दोस्तों जैसे 79 यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो 82 का जो स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, 2-3 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड डाल सकते हैं। टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इस कैंडल का लो भी लगाते हैं, तो 65 का टारगेट यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो 834 चल रहा है, तो अभी हम बहुत ही छोटा सा रिस्क यहाँ पर ले रहे हैं। और 77 देखो 77 यहाँ पर आ चुका है, एक मिनट, तो ठीक है। तो ओके, तो अभी हम इसमें एक रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, हम 11,800 की पुट को सेल कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारा प्लेटफॉर्म वो है हमारा यहाँ पर आसा, क्वांटिटी लेंगे हम 450 और रिस्क रिवार्ड का 74 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। 11,848, ठीक है, एक ही कैंडल में रिट्रेस हो चुका है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सिनारियो मेरे को बुलिश लग रहा है। तो अगर 11,808 आता तो बहुत अच्छा हमको एंट्री मिलता। तो अगर अब हम जब 800 के पास आया नहीं, तो थोड़ा सा वेट और करते हैं, तो देखते हैं अगर यहाँ पे मार्केट मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। एक मिनट का चार्ट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट के बाद हल्का सा कंसोलिडेशन टाइप हो रहा है, और उसके बाद मुझको लग रहा है कि मार्केट आज 11,900 टच मोस्ट प्रोबेबली कर देगा। तो दोस्तों इससे पहले अभी हम दिखा देते हैं आपको, हमने एक पोजीशन ट्रेड डाली थी, उसमें हमने कुछ 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है, फ्यूचर बाई किया था और उसको हैज किया था 12,000 की कॉल को शॉर्ट करके, ठीक है। तो उस पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी के लिए अब 75 यहाँ पर आ चुका, 76 अगर 76 पे लेते तो 6 पॉइंट्स का यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस, मतलब 2400 कुछ रुपये अगर हम 450 क्वांटिटी भी डाल दें तो उसके हिसाब से तो ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एक बार कि मार्केट क्या दिखा रहा है। अगर मार्केट 860 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, रिस्क रिवार्ड काफ़ी हमको फेवरेबल लगेगा। मार्केट 15 मिनट्स को हम देखते हैं क्या यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों 15 मिनट्स पे तो वही सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, वो वही बात है कि 807 पे अगर मिलता तो एक परफेक्ट एंट्री होती बाइंग की, बट वो नहीं गया मार्केट। तो अभी हम माइंड दो माइंड हो जाते हैं दोस्तों बंदे के कि भाई रिस्क लूँ नहीं लूँ, क्योंकि मार्केट 73 यहाँ पर आ चुका है इस कैंडल पे। तो मैं यहाँ पर अगर 75, तो चलो मैं थोड़ी देर में वीडियो को पॉज करता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या सिनारियो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो गाइस मार्केट 11,840-38 मैं बोल रहा था कि मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है 11,860 का, तो उसका इफेक्ट हमारा ऑप्शन के चार्ट पर भी पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक हमको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड तो बेहतर मिल रहा है, बट आप देखें मार्केट कोशिश कर रहा है कि गैप अप ओपन हो चुका है और बहुत सारे रेसिस्टेंस इसको देखने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो, आप देख सकते हैं ये सब लाइन्स ही रेसिस्टेंस वाली लाइन्स ही ड्रॉ की हुई है हमने। अगर ऊपर जाएगा तो हर रेसिस्टेंस उसको नीचे धकेलेगा, हर सेलर्स बार बार उसको नीचे धकेलेंगे। तो कहने का मतलब ये, ऐसे सिनारियोज में क्या हो जाता है दोस्तों, सेलिंग कॉल सेल की ट्रेड तो मैं नहीं लेने वाला, पुट सेल ही करूँगा अभी तक तो, ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला, अगर मैं परफेक्ट लेवल पर नहीं ट्रेड करूँगा, मान लो मैं कहीं बीच में घुस जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई, कि 840 चल रहा है
और मैं यहाँ पे बीच में घुस जाता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरे को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है। तो या तो कन्फर्मेशन हो गया भाई, या तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मिली, जैसे कि 807 मान लो यहाँ पे मैं एंटर होता हूँ, तो बिल्कुल मेरा रिस्क रिवार्ड बढ़िया होगा एकदम। मेरे को 4-5 पॉइंट का ही रिस्क मैं लूँगा यहाँ पे कि भाई हाँ कम से कम सपोर्ट पर ले रहा हूँ मान लो, या फिर 868 के ऊपर निकल जाएगा तब भी हमारा रिस्क रिवार्ड बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट रहेगा 900 रुपये का, 11900 का, ठीक है। तो वही मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक 11800 के आसपास आए और हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो मैं वही वेट कर रहा हूँ कि अच्छा सा ट्रेड मिले, ट्रेड ना मिले तो बेहतर है, पर एक गंदे ट्रेड से अच्छा है कि आप एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर ले दोस्तों, ठीक है। तो हम जब भी ऑप्शन सेल करते हैं तो रिस्क रिवार्ड हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, आप सब जानते हैं, और आपकी भी होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं दोस्तों आस्था का, ठीक है। तो 77 अभी प्राइस चल रहा है, तो मार्केट वही अपना 807 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी हम फिर से वेट करते हैं दोस्तों। हाँ तो गाइज़ मार्केट अभी 11854 यहाँ पर चल रहा है, और मैंने अभी एक स्ट्राइक प्राइस ऐड किए जो है 11885, बिल्कुल ऐड द मनी की स्ट्राइक यहाँ पर मैंने ली है। अब मैं इसमें यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ, तो दोस्तों ऐड द मनी की स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ की है। अब देख सकते हैं कि भाई ये है हमारा 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। ओपन होता है, नीचे आता है, फिर एक रेंज में ट्रेड करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों मैंने वही बताया था आपको कि रेंज ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, बिल्कुल 50 पॉइंट का, बिल्कुल 40 पॉइंट का आराम से आपको यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों 92 यहाँ पर चल रहा है, 93 यहाँ पर चल रहा है मार्केट। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी को दोस्तों, यहाँ पर आज HDFC बैंक का रिजल्ट आया बहुत शानदार, बैंक निफ्टी 439 पॉइंट्स आप है दोस्तों। तो यहाँ पर एक निफ्टी कंसोलिडेट कर ही रहा है और कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको दे सकता है, ठीक है। तो उसका वेट हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, 854 यहाँ पर चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा देर में अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो हमारा प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिगे हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ये गुड स्ट्रैटेजी नहीं है, बट हमारा रिस्क रिवार्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं जो मेरे दिमाग में यहाँ पर चल रहा है वो यही चल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर डाल देनी चाहिए। 94 चल रहा है तो हमारे 7 पॉइंट का ही हमारा यहाँ पर रिस्क होगा, बट अगर मार्केट यहाँ पर रेंज तोड़ेगा तो हमको हमारा प्रीमियम सारा लेके चला जाएगा। तो अभी मार्केट 91 आ चुका है, तो मैं इसको डाल रहा हूँ, ट्रेड को यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सेल कर रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं एट द मनी में ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों। 300 क्वांटिटी यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इंट्राडे पर 300 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, मतलब 4 लॉट, और प्राइस मैं रखूँगा RL मार्केट, ठीक है। RL मार्केट पर मैं करूँगा ओके। देखो कितनी जल्दी 858 ये सब यहाँ पर हो जाएगा बहुत जल्दी यहाँ पर प्रीमियम के। तो मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल्स पर पहुँच चुका है 92, ओके 854 यहाँ से बिल्कुल ओके। तो मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड यहाँ पर डाल रहा हूँ ओके। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, हम देखते हैं फटाफट क्या है। ओके हमारी ट्रेड ओपन हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज प्राइस मिला आपको 90.58, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हम देखते हैं, हमने ट्रेड डाल दी, अब हम देखते हैं अपना रिस्क भाई, ठीक है। ट्रेड तो हमारी डल चुकी है, अब हम देखेंगे अपना रिस्क कितना है। तो दोस्तों 90 का है तो सीधा मैं 101 पर यहाँ पर टारगेट डालूंगा, 3000 का आज की मेरे ट्रेड पर क्या है दोस्तों रिस्क है, टारगेट होगा मेरा यहाँ पर, टारगेट अगर मैं 90 है तो मैं 15 पॉइंट्स का भी अगर मैं टारगेट लेता हूँ दोस्तों यहाँ से, तो मेरे को अगर मैं यहाँ पर पूरा टारगेट लेता हूँ अपने इस चार्ट के हिसाब से तो बैठ रहा है 766, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है दोस्तों। 90 पर लेकर 66 मतलब 24 पॉइंट्स का यहाँ पर काफ़ी दूर टारगेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 पॉइंट का अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 15 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट रखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 15 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट रखूँगा, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 15 पॉइंट्स का। तो स्क्वायर ऑफ में जाएंगे और यहाँ पर RL की जगह रखेंगे क्या दोस्तों SL में प्राइस डालेंगे हम अपना कितना 101, ठीक है। और जो हमारा ट्रिगर प्राइस होगा वो होगा हमारा दोस्तों 100, ये हमारा दोस्तों टारगेट हो गया 101 का, सॉरी स्टॉप लॉस 100 पे आ गया हमारा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो एक बार ऑर्डर बुक में हमेशा कंफर्म करिए जाके कि हाँ भाई आपका ऑर्डर पेंडिंग है या नहीं, डला भी है या नहीं, ठीक है। अब हम डालेंगे दोस्तों अपना टारगेट, अब हम टारगेट डालने वाले हैं। टारगेट हमारा हमने 15 पॉइंट्स का बताया था, तो 15 पॉइंट्स का यहाँ पर हम टारगेट डालेंगे तो सीधा बैठेगा कितना 75 को हम यहाँ पर टारगेट डाल लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी ये
तो दोस्तों यहाँ पर हमने टारगेट डाल दिया 75 का, एक बार चेक कर लेते हैं जाके ऑर्डर बुक में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 75 और 101 ये हमारा टारगेट डल चुके हैं और मार्केट भी 865 को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। और देखते हैं क्या सिनारियो बनता है, क्लोजिंग देता है या नहीं देता उसके ऊपर। और हम देखते हैं हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 88 यहाँ पर चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 88 यहाँ पर चल रहा है। तो अगर मार्केट 865 के ऊपर जाएगा तो 900 100% यहाँ पर टच करेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। बट बशर्ते 865 यहाँ पर, हाँ 867 आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हो चुका है, मैं बोला था मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका, मार्केट 85 यहाँ पर आ चुका है हमको। अब देख लेते हैं नेट पोजीशन में जाके अपना कितना, 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 2900। ओके, तो हमने बोला था कि हमारा टारगेट रहेगा कितना, 80 का, 75 का हमारा टारगेट है। देखते हैं कितनी देर में अचीव होता है टारगेट, तो 100% अचीव होने वाला है क्योंकि हमने ज़्यादा लंबा टारगेट रखा नहीं है। 66 का तो बहुत 24 पॉइंट्स हो जाता, बट हमारा 1 पॉइंट रेशियो के हिसाब से लगाते हैं तो मतलब एक एक रुपये के मुकाबले हम कितना, 1.5 रुपये यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, 1.5 का हमारा रिस्क रिवार्ड है। तो 79 आ चुका है, 78 यहाँ पर देख सकते हैं, 880, तो आराम से आज का जो हाई है वो भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो 100% यहाँ पर 900 तो पक्का टच करेगा, और 900 भी ना करेगा तो हमारा टारगेट तो कन्फर्म यहाँ पर आ ही जाएगा। 79 यहाँ पर आ चुका है, 75 की हमारी यहाँ पर हमारा टारगेट है, 75 का दोस्तों, और 80 कुछ यहाँ पर चल रहा, 3000 का प्रॉफिट तो हमको हो रहा। तो 1500 प्रॉफिट के लिए हम और जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक क्लोजिंग दे चुका है 1 मिनट के चार्ट पर, अगर 5 मिनट के चार्ट पर देता तो उससे बढ़िया कोई होने वाला है नहीं, सोने पे सुहागा वाली बात है। 81 यहाँ पर चल रहा, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ट्रेड को पॉज मार देते हैं, और कितनी देर में हमारा टारगेट आता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट की और कमेंट्री यहाँ पर हम कर देते हैं। 79 आ चुका है, 79। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आज समय केवल 4000 में आप एक लॉट को सेल कर सकते हैं, सिंपल। और दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल से ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है ना। देखो आप देखिए हैवी वॉल्यूम से यहाँ पर, देखो ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का बहुत बड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन था, एक बहुत बड़ा यहाँ पर बंच था, और वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। तो इतना ये ब्रेक डाउन जल्दी रुकते नहीं है, और मैं वीडियो तो अपलोड कर दूंगा, बट आप देखना शायद मार्केट आप दिन के बहुत ज़्यादा हायर पे यहाँ पर क्लोजिंग दे, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने टारगेट से यहाँ पर मतलब है कि हमको कितना टारगेट अचीव हो। मार्केट अब चाहे कितना भी जाए, हमारा एक टारगेट हिट हो जाए हम खत्म, मार्केट को बंद कर दीजिए, सिंपल बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो 81 कुछ यहाँ पर चल रहा है, तो हम 75 के टारगेट के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, छोड़ देते हैं और अपना अभी हम एक दो कैंडल और देखेंगे, फिर हम थोड़ा स्टॉप लॉस को भी अपना मूव करेंगे। जैसे हमने 101 रखा तो हम यहाँ पर रखेंगे, 101 यहाँ पर रखा तो हम थोड़ा सा जो वी वैव है उसके नीचे भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे कितनी थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन कर पा रहा है, यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और वेट करता हूँ अपने टारगेट हिट होने का या स्टॉप लॉस हिट होने का। चलो तो गाइज मार्केट अभी 11,868 चल रहा है और हाई बनाया था 11,900 के आसपास का। तो क्या लगता है आपको कि हमारा टारगेट हिट हो गया होगा? तो चलते हैं हम अपने निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर और देखते हैं। तो दोस्तों हमने 75 का यहाँ पर टारगेट लगाया हुआ था और निफ्टी ने लो बनाया 71 का, मतलब निफ्टी की 11,900 की पुट ने, तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली हिट हो गया है। एक मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4672 का प्रॉफिट हमने ले लिया है और लगभग 15 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है हमने, 10 पॉइंट का रिस्क लेके, ठीक है। तो दोस्तों अब ये तो था कि भाई लाइव ट्रेड थी जो भी था, अब मैं आपको यहाँ पर इस ट्रेड का कंक्लूजन बताने वाला हूँ। कहने का मतलब कि भाई आपने वीडियो देखी तो आपने इसमें सीखा क्या, ठीक है ना। लाइव ट्रेड तो थी जो थी कि आपने इतना देर यार वेस्ट किए, 11-15 मिनट वेस्ट किए, तो आपने इस वीडियो में सीखा क्या, अब मैं आपको मेन मुद्दा बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पर सेल किया था ऑप्शन अपना, वो किया था, एक मिनट मैं यहाँ पर ट्रेड बुक में चलता हूँ। और सबसे पहले मैंने शॉर्ट की थी, टाइम था, ओके 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 टाइम, एक मिनट, टाइम था दोस्तों, टाइम कहाँ पे आएगा, टाइम नहीं है यहाँ पे, ओके कोई नहीं छोड़िए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 11,860 का लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, 865 का, ठीक है ना। बट इस कैंडल के आसपास यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, ठीक है, 9:30 कुछ इस टाइप पे यहाँ पर हमने कुछ एंट्री बनाई थी, 9:40 के आसपास हमने कुछ एंट्री बनाई थी और हमने अपने जो रेसिस्टेंस था उससे पहले ही ट्रेड ले दिया था, इन होप के
बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, HDFC बैंक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और निफ्टी उसके कंपैरिजन में काफ़ी नीचे था, ठीक है। बट मार्केट क्या था, यहाँ पर रेसिस्टेंस को उसने बहुत ही जल्दी क्रॉस कर दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिस्टेंस क्रॉस हो गया, आपने ट्रेड डाल दी, क्योंकि हमारा जो हम मैच कर रहे थे दोस्तों, हम निफ्टी के 11,900 की जो पुट थी उसके कंजक्शन के साथ हम यहाँ पर ट्रेड मैच कर रहे थे, और हमको यहाँ पर कुछ पॉइंट मिला 9:00, हाँ कुछ यहाँ पे हमको ट्रेड मिली थी, हाँ इसके नीचे अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ, तो हमने ट्रेड डाल दी। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने ट्रेड तो डाल दी और मार्केट ने बहुत जल्दी वो रेसिस्टेंस भी क्रॉस कर दिया, बट देखो जो हमको चाहिए था, कहने का मतलब अगर रेसिस्टेंस क्रॉस किया तो एक साथ बूम ऊपर सीधा 40 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता कि भाई 860 मिलिया सीधा 40 पॉइंट, मतलब 11,900। बट मार्केट क्या किया, हम एक मिनट का चार्ट देख रहे हैं बिल्कुल स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे, मार्केट ऊपर जाता फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करने के बाद, एक मिनट, अब दोस्तों आप लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना, यहाँ पे ये इन पॉइंट्स पे क्या हुआ, हमारा कंसोलिडेट होता मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर ये, एक मिनट, ये यहाँ पे कुछ हाई बनाता है और उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, मतलब आप देख सकते हैं 1, 2, 3 बार हमारे यहाँ पर सपोर्ट को टच करता है, जो पहले रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, और उसके बाद एक हाई बनाता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लो भाई आपने, हमने जैसे 90 पर पुट को सेल किया था, आप देख सकते हैं जब यहाँ पे गया होगा मार्केट, मैं उसको भी ट्रेड के हिसाब से कंजक्ट करूँगा 11,900 की, तो उसको मिला के बताऊँगा आपको क्या है। चलो मैं उसी के चार्ट पे बताता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, निफ्टी के चार्ट को हम छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले 11,900 की पुट पे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से, एक हमने 90 पर हमने सेल किया था और मार्केट बहुत जल्दी 80 के आसपास आ चुका था, ठीक है, और हमारा टारगेट था 75 का। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मार्केट में आ जाता है कंसोलिडेशन। तो मैं अब आप देखना एक साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये पॉइंट और ये था इसका लो, ठीक है, ये लो था। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक बार बनाता 85 का हाई, फिर आता है नीचे, फिर बनाता है दोस्तों 76 कुछ का ही बनाया था जहाँ पे हमारा टारगेट हिट ना, फिर ऊपर जाता है 82 के आसपास, एक मिनट, 82 के आसपास जाता, फिर लो बनाता 77 का, फिर हाई बनाता 83 का। तो मतलब आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपने ट्रेड डाल दी, आपने ब्रेकआउट की होप में ट्रेड डाल दी, उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला जाता है और आपके टारगेट के पास आता है बार बार, और फिर आपके जहाँ आपने सेल किया उसके पास आ जाता है, ठीक है। तो आपके जो दिमाग में भाई चीज़ें चलती रहती हैं, ये क्या मैं इस ट्रेड को निकाल दूँ, क्या मैं एग्जिट मार दूँ, क्या मैं बने रहूँ, क्या मैं अपने टारगेट को कम कर दूँ, ये सब चीज़ें चलेगी, कॉमन है, हर बुद्धिमान से बुद्धिमान ट्रेडर के दिमाग में चलेंगी कि भाई ऐसा ना हो कहीं कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड, जो मेरा टारगेट है उसके पास आके मेरा टारगेट हिट ना हो और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, सबके दिमाग में चलेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो दो चीज़ें हैं सिंपल, देखो या तो आप अपना भैया टारगेट घटा दो, पहला सिंपल कि भाई हमने, या तो आपका कन्विक्शन इतना तगड़ा होगा निफ्टी फाड़ देगा 11,950 चला जाएगा, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, या तो आप वो देखो, वरना आप देखो कि या तो भाई आप टारगेट घटा दो सिंपल के भाई मैं टारगेट घटा देता हूँ, ये वाला लो लगाया तो यहाँ पे मैं टारगेट घटा देता हूँ, पर मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं घटाया, उसके बजाय मैंने क्या किया। देखो ट्रेड कर रहे हो तो आप रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने 10 पॉइंट का लॉस रिस्क लगा दिया और 15 पॉइंट के प्रॉफिट के टारगेट में हमने यहाँ पर हमने ट्रेड डाल दी। अब ट्रेड डाल दी तो उसके बीच में फिर आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। अब बहुत हद है आप क्या कर सकते हो, मैं वो आपको बताता हूं, ठीक है, कि आप कर क्या सकते हो इस सिनारियो में। दोस्तों मैं आपको यहां पर, आप वी वैप को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए, मेरे हिसाब में आपको बताता हूं, वी वैप को आप हमेशा एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। देखिए मार्केट, मेरा टारगेट हिट करने के बाद मार्केट धड़ाम से गिरा है, उतने वहाँ पर ही आ गया, वहाँ जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पर आ चुका है, ठीक है। तो आप वी वैप को यहाँ पे एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए, कैसे मैं बताता हूँ। दोस्तों हमने हमारी 90 की बाई थी और हमारा अभी जो वी वैप चल रहा है वो चल रहा है 87, ठीक है। तो अभी भी हम 3 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ही, अगर मान लो ये स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो आपको क्या होगा, ये जो वी वैप है आपको एक मदद करेगा आपको अपनी ट्रेड में इंटैक्ट रखने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको मदद करेगा इंटैक्ट रखने के लिए, सिंपल।
तो एक सीरीज़ में बनाने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, के भाई के बिल्कुल के आपको कैसे ऑप्शन सेल, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट 11,893 का हाई बना के 858 का यहाँ पर लो बना देता है, ठीक है। तो मार्केट अब अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम पर देखें, 15 मिनट्स पे देखते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो सो यहाँ पर हुआ क्या, आप देखिए पहली कैंडल में गिरा, उसके बाद यहाँ पर हाई बना था, उसके बाद एक हल्का सा रिट्रेसमेंट चल रहा और सपोर्ट यहाँ पर ले रहा जो 860 का मैं बता रहा था, 864 का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने, आप देखेंगे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ले रखा था बहुत ही स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 मिनट का। जस्ट जनरली बेसिकली मैं ये नहीं लेता, बट मैं अपनी एग्जिट एग्जिट को कहाँ करना है वो मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ। एंट्री तो मेरे 15 मिनट के ऊपर ही होता है, 5 मिनट के ऊपर ही होता है, बट मेरी एग्जिट होती है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट आपको अर्ली साइन दे देता है कि हाँ यहाँ मार्केट में कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट अपने सपोर्ट पे आकर यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर आप ट्रेड देखिए 9:50 से लेके हमारा हॉल्ट किया है इसने 10:02 तक, मतलब कितना, 5 मिनट के हिसाब से देंगे तो 10 मिनट, मतलब 2 कैंडल हॉल्ट किया, पर यहाँ हमको 10 कैंडल मिली हैं। अगर हम इसी पोर्शन को हम देखते 5 मिनट के चार्ट, तो अभी आपको हमको देखो ये दो कैंडल मिले तो उसमें हमको घंटा पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हालांकि सपोर्ट का वो दिखा रहा है और एक बुलिश हैमर कैंडल बन रही है, फिर भी हमको वो जनरली क्लियर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बट अगर हम 1 मिनट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे पता लगेगा कि हाँ हो क्या रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हिट हो रहा है और बार बार यहाँ पर आके मार्केट में बाइंग आती जा रही है, ठीक है। तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है और ये कुछ पॉइंट्स थे। जनरली यही होता है दोस्तों कि आप ट्रेड डाल देते हैं और आपको क्या लगता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस मूव कर लूँ, अपना टारगेट मूव कर लूँ, वो आप एक लॉजिक के प्लान के थ्रू ही कर ली। अगर देखो मैं क्या करता दोस्तों, अगर मान लो क्या होता, माँ ये मेरा ये टारगेट हिट नहीं होता, देखो मैं आपको अपना मैं बता देता हूँ सिंपल। मान लो क्या होता, मार्केट मेरा यहाँ से 76 का मान लेते हाई लो बना के ऊपर चला जाता दोबारा से 85, ठीक है, 85 मेरा वी वेब के पास आ जाता, मैं मानता कि भाई मेरा यहाँ से लो बना के यहाँ पर आ चुका है, तो मैं पता क्या करता दोस्तों, मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता यहाँ पे 87 के ऊपर, 88 या जो भी मेरी एंटरप्राइज, जैसे 90 का मेरा एंटरप्राइज हो, मैं 90 का एंटरप्राइज डालता और यहाँ पे और क्वांटिटी बाई करता, सॉरी सेल करता, 85 के लेवल के आसपास मैं अपना 2-3 लॉट और डाल देता और अपना स्टॉप लॉस लगा देता कितना 88 या 89। तो दोस्तों मेरा तब भी कॉस्ट टू कॉस्ट रहता, पर अगर मेरे को यहाँ पर गिरावट मिलती 85 से, अगर मान लो 75 भी आ जाता तो दोस्तों मेरे को बम्पर प्रॉफिट होने वाला था, ठीक है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ, आपको चीज़ों पर कंट्रोल करना, यहाँ पर मार्केट पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और आस्था एरो में हमने अभी ट्रेड किया था, 4,000 में एक लॉट यहाँ पर मिल रहा था दोस्तों, और मैक्सिमम लॉट आप जो सेल कर सकते थे वो कर सकते थे आज 200। अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, चलो बाय दोस्तों।